सेटिंग है ये रक्षा। और ऐसा भी लग रहा है कि पुरानी सिम में अभी रिचार्ज बाकी है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, मतलब कि खेत धान देखने जा रहे हैं कैसी है और आपको भी दिखाएंगे। रास्ते में हमें मिला ये इतना भारी मनुष्य, ये आगे चलकर हमें हमारे मित्र मिल गए हैं, ये हमारे यहाँ और ये हमारे फ्रेंड बॉस भाई, बहुत दूर रहते हैं यार हम से, तो आज मिले हैं। और कैसा भाई, भाई? आते ही मन था। तो गाइस यहाँ में एक बार गिर गया था और ये तो हम अपने प्लाट में पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये हमारा बोर है, देखो ये अभिषेक भाई पाइप लगाने गए थे, पाइप पानी वाला पाइप होता है जो, वो आ रहा है। देखो तो ऐसे धूप में मेहनत करना पड़ता है दोस्तों हम लोगों को भी, तो आप ये भूल में ना रहें कि ये लोग बैठे रहते हैं बस वीडियो भर बनाते हैं। दोस्तों ये हमारा बोर का ढक्कन पुराना, मतलब पुराना तो नहीं हुआ, जंग लगने वाला था, तो हमने सोचे इसमें कुछ पॉलिश वगैरह कर दे, तो हमारे अभिषेक भाई पॉलिश कर रहे हैं। देखिए मतलब ब्रश का भी जुगाड़ नहीं है लगता है इनके पास। क्या करें यार गाइस, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते ना सब्सक्राइब करते हैं कि उसी से पैसा आने लगे थोड़ा बहुत तो खरीद सकें। चलो ठीक है, लेकिन आप देखते रहो ब्लॉग। तो गाइस देखो ये अपनी धान है, बताओ आप कमेंट करके कैसी है, अच्छी है या खराब है। गाइस हम लोग खेत में धान देखकर आ गए हैं वापस, जो भी काम था मोटर चालू करना था बोरवेल की। तो गाइस एक बात बताओ, देखो मैं इतना पतला हो गया हूँ, कोई दवाई बताओ यार, खाना खाता हूँ साला टट्टी बन जाता है सब, मेरे शरीर में कुछ लगती नहीं है। तो गाइस प्लीज हमारे इस आशिक को बता देना क्या प्रॉब्लम है, खाना इसका क्यों इसको लग नहीं रहा है। तो दोस्तों चलते चलते मेरे को पता चला कि राहुल की जो पुरानी गर्लफ्रेंड है, मतलब पुरानी सेटिंग, तो वो राहुल को मिली रही और साथ में एक गिफ्ट भी लाई, अभी ये मेरे को बताया है। और लेकिन मैं सोचा कि गिफ्ट लाई है कुछ वस्तु लाई होगी, लेकिन ये बताया कि एक बच्चा साथ में है उसके, मतलब उसके बच्चा हो गया है, तो उसी को ये गिफ्ट बता रहा था। और ये फिर क्या किया, उसको बगल में ले गया और जम के मारा है यार। तो आशिक कैसे भी बदला ले लेते हैं, देख रहे हो ये किसान है। और ये और ये नई टी शर्ट आटा ले आओ है आज गाइस, पर कब ले आए रे, आज की कल? मैं भाई ये नोटिस कर रहा हूँ कि ये टी शर्ट भी नई ले आओ है। सेटिंग है ये रक्षा। दोस्तों मैं तुमको बता रहा था कि पुरानी सेटिंग से बात कर रहा हूँ और ये इसकी करंट की सेटिंग का फोन आ गया है, तो देखो ये बात में लग गया, काम छोड़ के आ गया है। और यहाँ बच्चों के साथ ही ये इतना बड़ा ढूंढ खेल रहा है, देख रहे हो बच्चों के साथ इतना बड़ा ढूंढ, लड़का बच्चा वालों। ये जो आपको आगे देख रहा है साइकिल में गुम्मा ला दे, ये हमारा एक परम मित्र है जो हमसे अभी कुछ बिछड़ गया है जिम्मेदारियों की वजह से, शायद हमारे साथ नहीं रह पाता, ये दिन भर काम में ही लगा रहता है। ज़्यादातर आप देखोगे इसको यदि गांव में होते तो जानते ही, ये ना साइकिल में टांगा दो गुम्मे और चला गया नल, पानी भर के लाया फिर घर, यही काम करता है। आशिक खेत से घर आ गया लेकिन अभी तक बातों में ही लगा है। दोस्तों ये हमारे मित्र हैं, ये भी पहले पैदल आया करते थे, अब ये अमीर हो गए हैं तो गाड़ी से आने लग रहे हैं, देख रहे हो दो के तो दांत भी दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ गांव से बाहर आधा किलोमीटर दूर ये हमारे गांव के सभी लोग यहाँ आते हैं। ये हग रहा है सनी, अंडा वाला है यहाँ, सनी को भी दिखाओ। ये यहाँ टट्टी होने आते हैं सब लोग, सनी बाय कर रहा हूँ। ये घनश्याम भाई यहाँ आ गए हैं, चिकने से लग रहे हैं। अरे वो मनोज गाड़ी बिगाड़ते ना, और ये दोनों की कभी नहीं पटती है, हमेशा झगड़ते ही रहते हैं, वीडियो बनाने से पहले भी झगड़ ही रहे थे। तो दोस्तों आ गए हैं अब हम लोग घर, पुनः राहुल आ गया है मेरे घर, पहले अपने घर चला गया था, उसके बाद इसकी सिस्टर के फोन में कुछ समस्या हो गई है तो उसको ठीक करवाने आ गया है मेरे पास, और ड्रेस भी चेंज कर लिया, देख लिए बहुत सेटिंग आई है ना इसकी गांव, रक्षाबंधन है इसीलिए। और ऐसा भी लग रहा है कि पुरानी सिम में अभी रिचार्ज बाकी है।